जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, हमेशा कहा जाता है कि गुरु जी बहुत कम संगत को अमृत वेला बख्शते हैं, लेकिन जिसको भी अमृत वेला बख्शते हैं उनकी हर मुराद को पूरा करते हैं, क्योंकि अमृत वेला करना कोई आसान बात नहीं, सबके बस की बात नहीं। लेकिन एक बार जब हम ठान लेते हैं कि हमें अमृत वेला करना है, तो गुरुजी हमारा पूरा साथ देते हैं, हमें टाइम पर उठाते हैं, हमें बताते हैं कि अमृत वेला करो। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे से समझाया है कि गुरुजी ने उनको अमृत वेला कैसे बख्शा और उनके बुरे टाइम में उनका कैसे साथ दिया। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी, ये मेरा जो शुक्राना सत्संग भी है, और ये सत्संग वो है कि जैसे मैं कैसे गुरुजी से जुड़ी, क्योंकि मुझे, मैंने अभी तक अपनी जो गुरुजी से जर्नी है वो शेयर नहीं करी है। एवरी डे के, ऑलमोस्ट एवरी टाइम के सत्संग में पहले बहुत शेयर कर चुकी हूँ, तो मैं स्टार्ट करती हूँ। मैं जैसे कि मैं बाहर रहती हूँ इंडिया से, तो मैं 2016 में मैं इंडिया गई थी अपनी फैमिली से मिलने के लिए। तो थोड़ा मेरे मतलब मैरिटल इश्यूज़ भी चल रहे थे उस टाइम पे, चलते ही रहते हैं वो तो अभी, मतलब काफ़ी मैं परेशान थी उस टाइम पे। तो जस्ट बिफोर वापस यहाँ पे आने से पहले मैं बड़े मंदिर गई, मुझे जाने का मौका मिला। एक्चुअली गुरुजी ने मुझे बुलाया, मेरी सिस्टर और उसके इन लॉज गुरुजी को मानते थे, उन्होंने पहले जैसे वो अपने घर में सत्संग रखा करते थे, तो उनके वजह से मेरी सिस्टर ने बोला कि एक बार चलते हैं, चल बड़े मंदिर। तो हम लोग गए बड़े मंदिर, वहाँ पे गुरुजी ने मुझे मौका दिया वहाँ जाने का। पर संगत जी, जब गई मैं, मुझे सब बताया मेरी सिस्टर ने कि वहाँ पे शब्द गुरबानी चलता है, वहाँ पे सब अंकल आंटी बोलते हैं, तो जो प्रसाद मिलता है वो पूरा फिनिश करना होता है, सब कुछ पता था, बताया उसने मुझे कैसे क्या होता है मंदिर के रूल्स। और मैं वहाँ पे गई भी और अच्छा भी लगा, पर मैंने ऐसे नहीं सोचा कि जैसे, मुझे ये नहीं पता था गुरुजी मुझे किस रूप में कैसे मुझे ब्लेस कर रहे हैं। उस टाइम तो हम अनजान होते हैं संगत जी, जब किसी के, जब उन्होंने, उसने बोला और मैं चली गई, तो बस ऐसे ही मैं चली गई। अच्छा लगा, माथा टेका, मेरे ख्याल से हमने लंगर प्रसाद भी किया था। तो उसके बाद हम लोग वापस आ गए, तो फिर मैं उसने मुझे एक छोटा सा गुरुजी का स्वरूप भी दिया था, वो पॉकेट स्वरूप तो नहीं कह सकते संगत जी, वो एक छोटा सा जैसे कार स्वरूप होता है, तो वो था कार में नीचे ऊपर जो मतलब स्टिकर वाला जो होता है, जो लग जाता है, स्टिक हो जाता है, वो कार स्वरूप। पर गुरुजी का जो ब्लैक चोला है, रॉकस्टार चोला, उसमें वो स्वरूप दिया उसने, तो मैं लेकर आ गई। मुझे नहीं पता, मुझे याद भी नहीं था मैं कैसे लाई हूँ, अपने पर्स में लाई, कैसे लाई, मुझे कुछ याद नहीं। तो जब मैं यहाँ पर आई, तो यहाँ पर बस मैंने, मुझे इतना याद है, मैंने अपने मंदिर में रख दिया। और मैं मतलब जैसे कभी पूजा करती थी, कभी करी कभी नहीं करी, जैसे हम लोग मतलब इतना मैं वो ज़्यादा वो नहीं थी पूजा करने में उतना ज़्यादा, बट फिर भी थोड़ा बहुत जब करती थी तो गुरुजी का भी साथ में मैं कर दे, वहीं पे ही थे विराजमान मेरे यहाँ के मंदिर में। तो फिर उसके बाद 2017 में मेरी थोड़ी प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ गई, इश्यूज़ मेरे यहाँ पर। तो उसके बाद काफ़ी ज़्यादा बात बढ़ गई, तो आफ्टर ऑल फिर 2018 में मैं सेपरेट हो गई अपने हस्बैंड से। और 2018 में जब मैं हुई, तो हम लोगों का लीगली भी सेपरेशन हो गया, सब कुछ हो गया, डिवोर्स हो गया। और फिर मेरे पास कुछ भी नहीं था, मतलब मैं, मुझे मूव आउट करना था यहाँ पे घर से, तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हुआ सब कुछ। मुझे नहीं पता संगत जी, उन्हीं दिनों में गुरुजी मुझे थोड़े मैसेजेस भी दे रहे थे, बट मेरे को याद नहीं है मतलब कैसे क्या है। तो उस टाइम पे उन्हीं दिनों के अंदर जब मैंने फ़ाइल किया था डिवोर्स, तो मुझे एक्चुअली फ़ाइल करने से भी पहले मुझे गुरुजी का ड्रीम दर्शन हुए थे, मतलब ड्रीम दर्शन हुए, जिसके अंदर गुरुजी ने मुझे और मेरी फैमिली को मतलब
ऐसे बोला, शिव जी के रूप में दर्शन दिए और उन्होंने बोला कल्याण कीता। तो सब मेरी पूरी फैमिली को, मेरी अपनी फैमिली को, मेरी फैमिली जैसे मेरे पेरेंट्स और मेरी सिस्टर्स, तो मुझे ये ड्रीम दर्शन हुए और मैंने एकदम से जैसे मुझे लगा ये क्या हुआ और कैसे हुआ, क्योंकि मैं उतनी जुड़ी नहीं थी संगत जी, मुझे पता नहीं था। बट मुझे ये पता था गुरु जी हैं, और जब कल्याण कीता जो ये सब है वो मुझे पता था कि वो गुरु जी ही हैं। तो मैंने मतलब और उसी जिस जिस मंथ में मुझे ये ड्रीम आया उसी मंथ में हमने डिवोर्स फाइल किया। तो मैंने वही उस वो चीज़ को उससे रिलेट किया कि शायद गुरुजी को पता होता है कि कब हमारे में प्रॉब्लम आने वाली होती है, तो गुरुजी हमें अपने आप से जोड़ लेते हैं। तो गुरुजी ने वहाँ पे मुझे ब्लेस किया और उस टाइम पे मेरा डिवोर्स फाइल हुआ और मैं काफ़ी परेशान ट्रॉमा में थी, मुझे मूव आउट करना था। तो जब मैं घर से निकली तो मैंने कुछ भी नहीं लिया संगत जी अपने यहाँ पर, कुछ भी नहीं लिया, सिर्फ मैंने मंदिर से, मेरे मन में क्या आया मुझे नहीं पता, सिर्फ अपने मंदिर से मैंने गुरुजी का छोटा जो स्वरूप है, जो कार स्वरूप जैसा है, वो बस मैंने लिया, अपना सामान लिया और मैं जहाँ पे मेरे को मूव आउट होना था मैं वहाँ पे चली गई। और वहाँ जाके मैंने रूम में गुरुजी को रख दिया, बस यही यही कह के कि आप ही मेरे अपने हो, या गुरुजी ने मुझे थॉट डाला कि सिर्फ मैं ही तेरा हूँ, देख ले अब तेरे साथ कोई भी नहीं है पर मैं हूँ तेरे साथ। तो ऐसे हुआ। उसके बाद मेरे काफ़ी एक दो साल, बहुत 2 साल मैं बहुत डिप्रेशन में बहुत परेशान रही। यहाँ पे जॉब करती रही, ऑब्वियसली जॉब भी थी, सब लाइफ चल रही थी पर करती रही। तो सॉरी संगत जी, मैं ये भी बताना भूल गई कि मैं डिवोर्स के बिल्कुल 1-1.5 महीने बाद मैं अपनी फैमिली से मिलने गई। 2018 में मेरा डिवोर्स हुआ अक्टूबर में, तो मैं 19 में जनवरी में इंडिया गई थी। और वहाँ पर फिर मतलब मेरे पेरेंट्स, मेरी सिस्टर बहुत परेशान हुए मुझे देखकर, मेरे पेरेंट्स को काफ़ी परेशानी हुई। बट उस टाइम मेरी सिस्टर ने बोला कि हम घर में एक सत्संग रखते हैं, तो वैसे भी मतलब थोड़ा इसको भी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। और हमने सत्संग रखा घर में, मेरी मम्मी के घर पर। तो वहाँ पर शंकर जी, मुझे नहीं पता, जब सत्संग हुआ तो हमारे पास स्वरूप भी नहीं था गुरुजी का, क्योंकि हम लोग को पता नहीं था, इतना इतना तरीके से तो जुड़े नहीं थे, हम सिर्फ बड़े मंदिर गए थे। तो फिर जो वहाँ पे एक संगत आंटी जिन्होंने हमारी हेल्प की थी सत्संग ऑर्गेनाइज करने में, उन्होंने किन्हीं संगत आंटी से स्वरूप मंगवाया, उन्होंने मुझे बोला कि जाके इन आंटी से लेकर आ जाना, अपने घर में ही, हमारे घर के पास में ही है, मेरे नेबर्स में ही थे, हम नहीं जानते थे उनको, और बस ऐसे ही गुरुजी ने जोड़ा अपने साथ। तो मैं गुरुजी का स्वरूप लेकर आई वहाँ से। तो संगत जी, वो वही स्वरूप था, रॉक स्टार चोला वाला स्वरूप, जो हमारे घर में पहली बार सत्संग के लिए सिर्फ उन्होंने सेवा बख्शी थी, स्वरूप सेवा, बहुत बड़ा स्वरूप था वो। मैं मेरे हाथ से गुरुजी के हमारे घर में आया और सत्संग हुआ, और वो सत्संग इतना ब्लेस्ड सत्संग था संगत जी, मैं बहुत रोई, मुझे नहीं पता मैं क्यों रोई। ऑब्वियसली सबको यही लग रहा होगा सत्संग में, या मुझे भी यही फील हुआ उस टाइम कि शायद मेरा डिवोर्स हुआ है इस करके मैं रो रही हूँ। मेरी सिस्टर भी मेरे साथ बहुत रो रही थी क्योंकि उसको पता था मैं अंदर से बहुत परेशान हूँ, मेरी मम्मी भी। तो बट वो सत्संग इतना ब्लेस सत्संग था कि मुझे वहाँ से थोड़ा सा कनेक्शन फील हुआ कि ये रियल में कुछ है। तो उसके बाद मैं इंडिया से जब मैं आई, तो आने के बाद मैं यहाँ पे थोड़ा गुरुजी के भजन और ये सुनने लग गई जो हमारे सत्संग में चले थे। फिर वहाँ से मैं थोड़े बहुत मैं सुनती थी भजन, बट उतना ज़्यादा मैं सत्संग नहीं सुनती थी, जो सत्संग का मुझे पता नहीं था कि सत्संग शेयरिंग क्या होता है उस टाइम तक। तो वही 1920 ऐसे ही निकला मेरा। तो 21 में मेरी जॉब भी चेंज हुई, थोड़ा चेंज ऑफ जॉब हुआ, तो मेरे को थोड़ा सा अपना एक माहौल भी चेंज लगा, मेरा रूटीन चेंज हुआ, तो थोड़ा सा मुझे बेटर फील होने लगा 2021 में। बट लॉकडाउन था तब उस टाइम पे, तो लॉकडाउन में भी मुझे काफ़ी परेशान तो हुई, मैं अकेली हो गई थी। तो वक बस ऐसे ही जॉब चलती रही। 2022 में फिर मेरी जॉब चेंज हुई, तो ये जॉब चेंज की वजह से ही मैं अपने आप को थोड़ा सा वो कर पाई, एडजस्ट कर पाई। तो 19 से लेके एक्चुअली 21 तक तो मेरा बहुत ही वर्स्ट टाइम था, बहुत डिप्रेशन में थी। मेरे हस्बैंड यहीं पे ही था, बट मतलब मैंने बट हम लोग के कॉमन फ्रेंड्स भी थे, थोड़ा बात भी होता था, बट मैंने उस चीज़ को बहुत ज़्यादा दिल पे ले लिया था उस टाइम। बट जैसे तैसे मैं निकली उस टाइम पीरियड से, गुरुजी ने मुझे बहुत हेल्प की, बहुत सपोर्ट किया गुरुजी ने, क्योंकि मैं
ये मुझे पक्का पता है। मैं संगत जी उस टाइम पे मैं ना तो बीमार हुई, ना कुछ हुआ, ना मुझे कोई प्रॉब्लम आई ऐसी जिससे कि मुझे ये लगे कि हाँ मतलब मैं अपने आप को संभाल नहीं पाऊँगी, क्योंकि गुरुजी ने ऑलरेडी मुझे मेंटल ट्रॉमा मतलब से बचाया था। तो फिज़िकली मैं ठीक थी, तो मैं अपना काम करती रही और जॉब करती रही, जॉब्स में ही मैं लगी रही। तो अब फिर उसके बाद 2022 में मेरा फिर अच्छा हुआ थोड़ा टाइम पीरियड, तो मतलब मेरा अपना सेटलमेंट थोड़ा अच्छे से हो गया। तो अब 2023 में मैं इंडिया गई दोबारा से बड़े मंदिर, तो इंडिया गई, उसके बाद में 2 बार बड़े मंदिर होकर आई। उसके बाद मेरे में अब काफ़ी चेंज आया है। अब गुरुजी ने फिर मुझे अपने से प्रॉपर तरीके से जोड़ा है। 2023 में मैं जब बड़े मंदिर से होकर और इंडिया से होकर यहाँ पर आई, तो पता नहीं कैसे संगत जी, मैं एक दिन वॉक कर रही थी, तो मैं यूट्यूब पे मेरे मतलब मैं सॉन्ग्स वगैरह सुनती रहती थी जैसे वॉक करने गई। तो आई थिंक गुरु जी का सत्संग पॉपअप हुआ, आई थिंक इन्हीं आंटी जी का एक कि गुरु जी की पूजा कैसे करें, गुरु जी का कुछ ऐसे आई थिंक, सॉरी संगत जी, सॉरी गुरु जी अगर मैं कुछ गलत बोल रही हूँ तो मुझे माफ़ करना गुरु जी। तो वो एक सत्संग पॉपअप हुआ कि जैसे कैसे करें या कुछ ऐसे, गुरु जी ने अपने साथ मेरे को जोड़ना था, तो उन्होंने ये चीज़ मेरे को सुनाई कि गुरु जी की पूजा कैसे करनी चाहिए, उनको चंदन टीका लगाना चाहिए। फिर वो करते करते मैं जैसे वीडियो सुनने लगी, तो मुझे पता चला सत्संग क्या होता है। फिर वहाँ से मैंने सत्संग सुनने शुरू करे, तो और जुड़ती गई जुड़ती गई। फिर मैं दोबारा दिवाली पे इंडिया गई, तो वहाँ पे फिर एक बार बड़े मंदिर गई, फिर वापस आके मुझे फिर अच्छा लगा, तो फिर मैं अमृत वेला से जुड़ गई। गुरुजी ने मुझे अमृत वेला बख्शा, तो तब से मैं अब गुरुजी की सेवा में लगी हुई हूँ। और गुरुजी ने मुझे अपने साथ इतना अच्छे से जोड़ लिया है कि बस अब गुरुजी मुझे मैसेजेस देते रहते हैं, मुझे गाइड करते रहते हैं कि कैसे करना है, क्या करना है, तो कैसे लाइफ गुरुजी ने मेरी चेंज करी है पिछले 1.5 साल में। मुझे डिसिप्लिन सिखाया, सेल्फ डिसिप्लिन, मुझे टाइम मैनेजमेंट सिखाया, गुरुजी ने क्लीनिंग वगैरह भी सिखाई कैसे करना है। अभी भी संगत जी अकेली रहती हूँ, तो इसलिए थोड़ा हार्ड तो होता है सब मैनेज करना, जॉब घर वगैरह देखना, बट फिर भी गुरुजी गाइड करते रहते हैं मुझे। तो गुरुजी ने मुझे बचाया है और बहुत कुछ किया गुरुजी ने मुझे। तो मेनली मेरा ये सत्संग इसलिए है कि मैं कैसे जुड़ी, और गुरुजी ने मुझे मेरे डिवोर्स के टाइम पे जोड़ा। उनको पता था कि अब कोई चांस नहीं है, तो उस टाइम गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन देके तो मुझे अपने साथ जोड़ा। उसके बाद मेरे को काफ़ी ड्रीम दर्शन हुए हैं गुरुजी किसी ना किसी वे में, किसी ना किसी तरीके से। तो गुरुजी मुझे अपनी प्रेजेंस तो फील करवाते ही रहते थे हमेशा, संगत जी हमेशा मुझे बहुत ही डिवाइन गुरुजी के ड्रीम दर्शन होते थे, होते ही रहते थे। कभी कभी कोई, कभी कोई, और बहुत सारे स्वरूपों के भी दर्शन हुए थे एक बार। तो गुरुजी का कल्याण करने का तरीका अपना ही है संगत जी, हमें गुरुजी पे पूरा विश्वास रखना चाहिए। मैं भी कभी कभी थोड़ा परेशान होती हूँ, अप एंड डाउन होता है, तो गुरुजी के आगे बैठ के रोने लग जाती हूँ। पर यही है कि गुरुजी पे जब पूर्ण विश्वास करते हो तो गुरुजी के हाथ में छोड़ देना चाहिए, वो जो करेंगे जैसा करेंगे उनकी रज़ा में रहना है बस, उनकी रज़ा में रहना है बस। हमारा काम है सत्संग सिमरन और सेवा, गुरुजी इसी चीज़ से बख्शी रखे हम सबको संगत जी। बस इतना ही है कि विश्वास रखिए संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। आपने बहुत अच्छे से बताया कि गुरु जी ने आपको कैसे हेल्प करी, कैसे आपका साथ दिया, बुरे टाइम में भी उन्होंने आपको संभाला, और गुरु जी ने आपको अमृत वेला भी बख्शा है। संगत जी ये बात बिल्कुल सच है, जो भी अमृत वेला करता है, अमृत वेले के टाइम पर अरदास करता है, उसकी अरदास ज़रूर पूरी होती है। इसलिए हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम भी गुरु जी के लिए अमृत वेला करें, हम भी गुरु जी से डायरेक्ट बातें करें, क्योंकि अमृत वेला करने से गुरु जी हमसे बातें करते हैं, हमारी बातें सुनते हैं, हमारी विशेष को पूरा करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।